हम आज पहुंच गए नीलकंठ महादेव के श्री चरणों में। नीलकंठ महादेव जिनका नाम क्यों पड़ा, इनका नाम इसलिए पड़ा जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय जो 14 वस्तुएं निकली उनमें से एक नील कंठ जिन्होंने पिया विष निकला, और विष इतना गहरा था, इतना तेज था, फिर पूरी पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मच गया और पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभाव होने लगा। चारों तरफ से पृथ्वी के ऊपर आग बलने लगी और तराई तराई करने लगा, तो किसी के पास कोई इसका रास्ता नहीं था कि कैसे किया जाए। तभी महादेव से प्रार्थना करी सब देवताओं ने, सब देवता महादेव से प्रार्थना करने लगे। महादेव प्रकट हुए, उन्होंने विष का पान किया, विष का पान किया तो विष गले के अंदर रोक दिया, क्योंकि अगर विष नीचे जाता तो और ज्यादा प्रभाव होता, शरीर का भी नुकसान। विष ना ऊपर गया, ऊपर की तरफ बुद्धि की तरफ, ना नीचे की तरफ गया, गले के अंदर रुक गया, गले के अंदर रोक दिया योग बल के प्रभाव से। चाहे जिस भी कारण से, आपने सुना होगा कोई कहता है पार्वती जी ने रोक दिया, कोई कहता है सर्प ने रोक दिया, किसी भी प्रकार से, लेकिन योग बल के प्रभाव से उन्होंने गले में रोक दिया। जब गले में रोक दिया गया उसको, तो वो इसका एक और भी कारण है जो नीला चमकीला दिखाई देता है। यहाँ मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध चक्र होता है, यहाँ उसका गहरा चमकीला रंग होता है और वो चमकीला रंग बहुत तेजस्वी होता है। ये जो इस चक्र के ऊपर पहुंच जाता है उसके अपने वाणी काबू में हो जाती है, वाणी कंट्रोल में हो जाती है, और जो सरस्वती होती है वो कंट्रोल में हो जाती है, काबू में हो जाती है। जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भी शब्दों का प्रयोग किया गया, वहाँ जो भी संकल्प किया गया वही संकल्प पूरे होने लगते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि इसके तो सरस्वती कंठस्थ है, तो वो भी प्रभाव होता है विशुद्ध चक्र के अंदर, कि यहाँ पहुँचने के बाद सब संकल्प पूरे होने लगते हैं। तो जो ये रोक दिया गया, नन्हे नीचे उतरा, नीचे अगर उतरता, अगर नीचे तो शरीर के ऊपर प्रभाव, ऊपर यानी बुद्धि के ऊपर, न बुद्धि के ऊपर प्रभाव हुआ, न शरीर के ऊपर प्रभाव हुआ, न विचारों को के ऊपर प्रभाव हुआ, न शरीर के ऊपर प्रभाव हुआ, केवल मन का ये जो खेल है। इसका अर्थ ये है कि जो तमोगुणी है, सब कुछ तमोगुणी के अधिष्ठा देव है, इसको सबसे पहले कंट्रोल में किया जाए। जब तक ये कंट्रोल में नहीं होगा तब तक हम उस आध्यात्म के उस तेज को प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कंठ में रोक दिया इसको, कि इस तमोगुण को न तो विचारों तक जाने दो और न ही शरीर तक जाने दो। ये शरीर के ऊपर जाएगा तब भी प्रभाव होगा, विचारों में जाएगा तब भी प्रभाव होगा। हम इसको गले तक सीमित रखें और गले तक ही इसको रहने दें। तो ये जो महादेव का आज बड़ी महादेव ने कृपा की, हमें यहाँ बुलाया, लगभग करीब 7 वर्ष के बाद हम यहाँ पहुँचे। 7 वर्ष पहले भी आए थे यहाँ, हाँ करीब 7-7.5 वर्ष पहले, होली के ऊपर जब शक्तियों का खेल चल रहा था, चारों तरफ से प्रभाव हो रहा था, शक्तियाँ प्रदान की जा रही थी। जब शक्तियों का खेल चलता है ना, तो सबके सब देवता, जिसको ज्ञान होता है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसको गुरुपद की प्राप्ति होती है, तो सबके सब जो देवता है वो शक्तियाँ प्रदान करने लगते हैं। जब शक्तियों का खेल चल रहा था तो उस समय के ऊपर हम आए थे, महादेव ने बुलाए थे। बहुत दिनों के बाद महादेव की कृपा हुई, आज यहाँ आना हुआ, और महादेव ने साक्षात चारों तरफ से, यहाँ मौसम भी आप देख रहे हैं प्रभाव कितना अच्छा है, और महादेव की कृपा की वृष्टि हो रही है। आप इसको महसूस करोगे जब आप बैठोगे ध्यान के अंदर। ध्यान ये नहीं कि बैठे तभी ध्यान लगेगा, जब आप खड़े हो तब भी ध्यान लग जाएगा, नाम के ऊपर केंद्रित करोगे। तो इसका जो खेल है वो केवल सीमित
केवल जल चढ़ाने मात्र से पूरा नहीं हो जाता कि जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने का अर्थ ये होता है अंशी को अंश में मिला देना। इस आत्मा जो अंशी है, अंश वो परमात्मा, कि अंशी को अंश में मिला देना, कि अपने को उस ब्रह्म में मिला दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अपने को समाप्त कर दो, अपने न विचार हो, न कुछ मन के अंदर संकल्प हो, न विकल्प हो, न अहंकार हो। और तो आप सब जानते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान की ओर बढ़िए, किसी भी रास्ते से चलिए, किसी भी मार्ग से चलिए और ध्यान की ओर बढ़िए, और ध्यान को केंद्रित करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए। और आज तो हर हर महादेव, उन्हीं का प्रभाव है जो यहाँ तक हमें बुलाया है, उन्हीं की कृपा है, उनकी कृपा के बिना कहते हैं कोई यहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो उनकी बड़ी कृपा हुई और उनने हमें दर्शन दिए, शिवलिंग के रूप में भी नीलकंठेश्वर महादेव के रूप में, उनका जो यज्ञ कुंड था उनके रूप में भी, और फिर क्योंकि वो जो शिव हो साक्षात लिंग के रूप में एक एक शरीर में विराजमान है, पूरी प्रकृति में विराजमान है, तो उन्होंने इसके रूप में भी और ध्यान में भी वो बार बार कृपा बरसाते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वो केवल मेरे तक, कि मेरे ऊपर ही कृपा न बरसाएं, आप सबके ऊपर भी महादेव की कृपा बरसती रहे और उनका आशीर्वाद सदा सदा आपके सिर के ऊपर रहे।